दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और हम आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस सीखने वाले हैं। तो होप यू आर डूइंग वेल एट होम। और जैसा कि ये टाइम है इमरजेंसी का, इसमें आप घर पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लें, और मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप देखें, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट्स लिखने से एक बार हमारा आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप ज़्यादा और अच्छे से सीख पाते हैं, और आप किसी भी क्वेश्चन के लिए हेजिटेट ना करें। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्राइसेस, दो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट्स आर 1, 2, 2, 1, 3, 2, और बी इज अनदर मैट्रिक्स, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 1, 0, 2, 3, कुछ भी ले लिए हमने ऐसे एलिमेंट्स, और अब हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है वो समझते हैं। ए इंटू बी लिखा, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर टू मल्टीप्लाई टू मैट्राइसेस, इसलिए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो हमारा जो पहले नंबर का वीडियो है जिसमें मैंने टाइप्स डिस्कस किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस डिस्कस किया, उसको देखिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में स्विच करेंगे वीडियो नंबर 2, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस सीखेंगे। फिर हम इसके कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैट्रिक्स का, मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन 1, 2, 2, 1, 3, 2। पहले अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले ए लिख लें, फिर उसके बाद में आप लिख लें बी। और अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये सोचिए कि ये जो पूरी रो है, ये वाली रो, ये जो पूरी रो है, ये एज इट इज उठ करके इस पूरे कॉलम पे आएगी। तो ये ऐसे कि ऐसे उठ करके ये इस पे आएगी, किस पे आएगी, इस वाले कॉलम पे आएगी, फिर इसके बाद ये दूसरे वाले कॉलम पे आएगी, फिर ये तीसरे वाले कॉलम पे आएगी। तो जब ये पहले वाले कॉलम पे आएगी 1, 2, तो 1 किसके ऊपर आएगा, यू ऐसे आएगी, हॉरिजॉन्टली उठा के वर्टिकली रखना है, तो 1 किसके ऊपर आएगा, 1 के ऊपर, तो 1 इंटू 1 बीच में, और 2 किसके ऊपर आएगा, 0 के, तो 2 0 पे आ गया, और बीच में प्लस लगाना है अपने को, बीच में आप प्लस लगाइए, 1, 2 अब इस पे रखना है आपको, 1, 2 इसके ऊपर, तो 1 किसके ऊपर आएगा, दूर लिखिएगा, 1 इंटू 2, और 2 किस पे आएगा, देखिए ये जो 2 लिखा है ये 2, ये 1, 2 पे आ गया, कौन सा, पहला वाला, जब आप इसको यू उठा के यू रखेंगे, देखिए आप ऐसे समझे, ऐसे उठाया और ऐसे रखा, तो 1 किसके ऊपर आएगा, 2 पे, और 2 किस पे आएगा, 2 पे, तो ये आया 2, 2 पे। ये क्लियर है, बिल्कुल बड़ा आसान है, आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा है। और 1, 2 को उठा के इसके ऊपर रखना, तो 1 किसके ऊपर आएगा, 1 पे आएगा, और 2, 3 पे आएगा। ओके, अब ये वाला एक काम खत्म हुआ हमारा पहली रो का। अब जैसे हमने पहली रो से किया दोस्तों, वैसे ही हमें दूसरी रो से करना है। तो दूसरी रो भी इस तरीके की होगी, जो पहले कॉलम पे गिरेगी, फिर दूसरे कॉलम पे जाएगी, और फिर ये तीसरे कॉलम पे जाएगी। तो पहले 2 देखें, 2 किस पे जाएगा, 2 जाएगा आपका 1 पे, 1 जाएगा 0 पे, फिर 2 जाएगा 2 पे, और 1 जाएगा 2 पे, देखो फिर 2 किस पे जाएगा, 1 पे, और 1 जाएगा 3 पे, 2, 1 पर, और 1, 3 पर। जैसा हमने इसके लिए किया सेकेंड रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए, वैसे ही अब थर्ड रो के लिए भी करना है। तो बराबर आपको क्लियर है मेरी बात? तो थर्ड रो के लिए करेंगे तो थर्ड रो उठाएंगे उसी तरीके से, फिर आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, फिर सेकंड कॉलम में रखेंगे, फिर थर्ड कॉलम में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस फर्स्ट रो को इसको उठा के यूं रखेंगे, तो 3 गया 1 पे, 2 गया 0 पे, फिर इसको उठा के इस पे रखेंगे, तो 3 गया 2 पे, 2 गया 2 पे, और 3 गया 1 पर, 2 गया 3 पर। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका a इंटू बी आ गया। तो आइए देखें कैलकुलेशन क्या होगी इसकी।
वन इंटू वन प्लस टू इंटू जीरो, तो ये आ गया आपके पास वन, वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू सिक्स, वन इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री, ये है इंटू है, ऑफ मतलब इंटू, वन इंटू वन वन प्लस टू इंटू थ्री तो सेवन। अब दूसरा देखो, टू इंटू वन प्लस वन इंटू जीरो, ये आ गया आपका टू, टू इंटू टू फोर प्लस टू सिक्स, टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन फाइव, और थ्री इंटू वन टू इंटू जीरो, ये थ्री आ गया, सिक्स प्लस फोर टेन। धीरे धीरे आप करते रहें, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली आ जाएगा, बहुत सिंपल है और आप आराम से सीख सकेंगे। तो ये हमने देखा a इंटू बी, और अगर आपको किसी ने पूछा कि b इंटू a क्या होगा, तो b इंटू a में आप b पहले लिख लो, पहले लिखने से आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले b लिख लिया आपने, वन टू थ्री जीरो टू थ्री, अब फिर a लिखें आप, a लिखेंगे तो वन टू टू वन थ्री टू, और ऑटोमेटिकली होता रहेगा मल्टीप्लीकेशन, इतना सिंपल कि आप ऑटोमेटिकली करेंगे। बस आप मेरे साथ साथ बने रहें और देखते रहें। पहली वाली रो को क्या करेंगे, अपन पहले वाले कॉलम पे डालेंगे, फिर उसके बाद इसको उठा के किसके ऊपर रखेंगे, अपन इसको दूसरे वाले कॉलम पे रखेंगे। तो जब आप पहली वाली रो को उठा के इस वाली को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो कौन किसके ऊपर जाएगा, देखो आपका वन जाएगा किस पे, वन टू वन है, सॉरी ये वन टू वन है, तो वन टू वन लिख दिया, वन टू वन। तो अब वन किसके ऊपर गया, वन पे, टू गया टू पे, और वन गया थ्री पे, तो वन इन वन ऑफ वन, टू टू पे गया और वन गया थ्री पे, ये पहली रो का पहले कॉलम पे हो गया। अब ऐसे करके पहली रो किस पे जाएगी, दूसरे कॉलम पे जाएगी, तो वन गया टू पे, टू गया वन पे, और वन गया टू पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जैसे पहली रो से हुआ वैसे ही अब दूसरी रो से करना है। तो जीरो जाएगा किसके ऊपर, ये उसको उठाएंगे अपन इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे करके रख देंगे, तो जीरो जाएगा किसके ऊपर, वन के ऊपर जाएगा, टू टू पे जाएगा, थ्री थ्री पे जाएगा। अब जीरो टू थ्री का नंबर पहले वाले पे हो गया, अब दूसरे वाले पे करना है, तो जीरो गया टू पे, टू गया वन पे, जीरो गया टू पे, टू गया वन पे, और थ्री गया टू पे। अब ये देखो इसका आउटकम क्या आएगा, तो ये हो जाएगा वन, ये पूरा हो गया ना, पहली रो सब पे चली गई, दूसरी रो सब पे चली गई, अब कोई बचा नहीं, तो अब बस भूल जाओ। अब आप इधर देखो, और हमें लेफ्ट वाली रो और राइट वाला कॉलम ये ध्यान रखना, लेफ्ट से अपन जब उठाएंगे ना, तो आप ऐसे लेफ्ट से रो उठाया करो और कॉलम पे रखा करो, तो आसानी ये समझ में आ गया आपको। वन प्लस फोर प्लस थ्री एट, टू प्लस टू प्लस टू सिक्स, इधर देखो जीरो प्लस फोर प्लस नाइन थर्टीन, जीरो प्लस टू प्लस सिक्स एट। इसका ऑर्डर क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर कितने का है, थ्री बाय थ्री का। इसका ऑर्डर कितने का है, टू बाय टू का। तो आपको देखने को समझ में आया कि ए बी और बी ए का वैल्यू बराबर नहीं है। अब ऑर्डर की क्या चक्कर है, वो ऑर्डर का मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखो ए का ऑर्डर कितने का था, ए का ऑर्डर आप देखो कितने का था, ए का ऑर्डर तीन रो दो कॉलम, तो थ्री बाय टू का था। बी का ऑर्डर कितने का था, बी का ऑर्डर था टू बाय थ्री का। तो जब ए और बी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बीच बीच का गायब हो जाएगा, बीच का ये दोनों एक तो सेम होना चाहिए और ये गायब हो जाएगा। तो ए इंटू बी का ऑर्डर कितने का बन गया, ए इंटू बी का ऑर्डर आपके पास आ गया थ्री क्रॉस थ्री का। बी इंटू ए का देखो, चलो बी का ऑर्डर किसका है, टू बाय थ्री का। इसका कितने का है, थ्री बाय टू का। तो ये थ्री थ्री गायब हो जाएगा और b इंटू ए का ऑर्डर कितने का आ गया, टू क्रॉस टू का। तो अब इस तरीके से बिल्कुल समझो आप, बहुत आसान है। और आपने देखा, यू हैव नोटिस्ड कि ए बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी ए। ए बी और बी ए का वैल्यू बराबर नहीं होता है, ये भी अपन ने देख लिया। और दूसरी चीज, अब हम आगे बढ़ते कि मल्टीप्लीकेशन में जो और खास बातें हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए का ऑर्डर मान लीजिए, कोई सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम सेकंड एग्जांपल में लेते हैं, ए का ऑर्डर मैंने ले लिया टू वन फोर थ्री वन जीरो, कितने ऑर्डर का ले लिया, टू बाय थ्री का। बी का ऑर्डर ले लिया हमने वन टू फोर वन, और अब हम सोच रहे हैं कि ए से बी को मल्टीप्लाई करें। तो देखो ए का ऑर्डर क्या है, टू बाई थ्री का। बी का ऑर्डर कितने का, टू बाई टू का।
अब आप सोचो कि ए इंटू बी जब करने जाओगे तो ए इंटू बी में आपको ए की रो उठाना पड़ेगी और इसमें चढ़ाना पड़ेगी, तो ये रो में तीन एलिमेंट है, जब इसमें चढ़ाएंगे तो इसमें तो दो ही हैं, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, कौन किसके ऊपर जाएगा सोचो। तो ए इंटू बी नॉट पॉसिबल, ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल है वो कैसे भी पता चल सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे पता चलेगा जब ए इंटू बी करेंगे तो ए का ऑर्डर कितने का है, 2/3 का, बी का ऑर्डर कितने का है, 2/2 का, तो ए इंटू बी नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये 3 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन बी ए पॉसिबल है, बी ए इज पॉसिबल, एंड लेट अस सी व्हाट इज बी ए। बी ए क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बी का ऑर्डर कितने का है, 2/2 का, ए का ऑर्डर कितने का है, 2/3 का, और आउटकम किस बाय किसका आएगा, 2/3 का आएगा। तो बी लिख लो पहले 1421, और ए लिख लिया हमने 214310। अब वैसे ही जैसे प्रोसीजर सिखाया था आपको, आराम आराम से करना है अपने को, घबराने की बात नहीं है, जल्दीबाजी करना नहीं। 14 इस पे रखना है, 1 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर इसके बाद 14 को उठा के इस पे रख दें, तो 1 किस पे गया, 1 पे, 4 गया 1 पे, 14 को उठा के 40 पे रखना है, तो 1 गया 4 पे और 4 गया 0 पे। लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट वाले रो उठाना है और राइट में कॉलम में रखना है। अब इसको उठा के तो 2 किस पे गया, 2 गया 2 पे, 1 गया 3 पे, 2 गया 1 पे, 1 गया 1 पे, 2 गया 4 पे, 1 गया 0 पे, और अब इसको कैलकुलेट कर लें अपन, 2+4, 3 12, 14, 1+4, 5, 4×1, 4, ये 0 हो गया, 4+3, 7, 2+1, 3, 4×2+6+0, तो 6 आ गया। ये आपका आंसर है, आप आंसर अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो देखा हमने कि ए भी पॉसिबल नहीं है, ए भी इज नॉट पॉसिबल, बट बी ए इज पॉसिबल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ए भी इज नॉट पॉसिबल बट बी ए इज पॉसिबल। अब और आगे अब थोड़ी सी स्टडी को अपन बढ़ाते हैं मल्टीप्लीकेशन की, और आगे का मल्टीप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे मैट्राइसेस हो जिसमें ए की वैल्यू लिखी हो 1221, बी की वैल्यू हो 3012, और अब हमें ए बी और बी ए निकालने को कहा जाए, ये थर्ड एग्जाम्पल है, तो ए इंटू बी लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लिख लेते हैं बी इंटू ए। ए बी लिखना है तो आपको पहले मैंने बोला आप पहले वैल्यू लिख लो इनकी, ए लिख लिया फिर बी लिख लिया, तो मल्टीप्लीकेशन में आपसे गलती नहीं होगी। कैसे करोगे, ये इस पे जाएगा, ये ऐसे करके इस पे जाएगा, 1 गया 3 पे, 2 गया 1 पे, तो 3+2, 5, ऐसे डायरेक्ट कर लोगे आप, बहुत आसान है बिल्कुल, मेरा यकीन करिए आप। 1, 2 इस पे गया तो 1 गया 0 पे, 2 गया 2 पे, तो 4। अब 2 गया किस पे, 3 पे, 1 गया 1 पे, तो 2×3=6+1=7, 2×0+1×2=2, 2। अब बी ए निकालना है तो पहले बी लिख दें आप, 3012, ए का वैल्यू 1221। अब ये वाली जो रो है, पहली वाली रो है, इसके ऊपर गिराना है अपने को, इसको ले जाना है इसके ऊपर, तो 3 किसके ऊपर जाएगा, 1 पे, 0 जाएगा 2 पे, तो 3×1+0×2=3, 3×0 इस पे जाएगा, तो 3×2=6+0×1=0, तो 6+0=6, 1×2 किस पे गया, इस पे, 1×1=1, 2×2=4, 5, 1×2+2=2, 4। अब आप देखो अभी भी ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, बी ए, तो ये आप ध्यान रखना कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए का वैल्यू बराबर नहीं होता है। ये दोनों स्क्वायर मैट्राइसेस थे, बावजूद इसके ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्राइसेस थे, पिछले वाले केस में तो देवर रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस, रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस थे जिसमें रो और कॉलम अनइक्वल थी, लेकिन इस वाले में देखो आप ए बी और बी ए, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्राइसेस थे, बावजूद इसके ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है। कभी कभी ऐसा है लेकिन हमेशा नहीं होता है, जब अगर आप इसकी जगह आई ले लो, ए कोई एक मैट्रिक्स है
टू वन थ्री फोर कुछ ऐसा मैट्रिक्स ले लिया, बी ले लिया आपने ऐसा वाला 1 0 0 1। अब इसका स्पेसिफिक नाम है इसलिए इसको बी नहीं लिखते, इसको आई लिख देते हैं। आई का मतलब क्या हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब हम ए इंटू आई करेंगे, तो ए इंटू आई करेंगे तो देखो क्या आता है, ए इंटू आई करेंगे तो आप आएगा 2 1 3 4 इंटू आई 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 इस पे गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 2 आएगा, 2 1 इस पे, 2 इस पे गया, 1 इस पे गया, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 तो ये 1 आ गया, 3 4 तो 3 इंटू 1 4 इंटू 0 3 इंटू 0 4 इंटू 1 तो ये आ गया, ये वापस से क्या आ गया आपके पास a। अब अगर आई ए करोगे आप, आई ए आई ए आई ए तो हो जाएगा 1 0 0 1, a की वैल्यू लिख लो 2 1 3 4। अब आप मल्टीप्लाई करो, 1 0 इस पे गया, 1 इंटू 2 0 इंटू 3 2 आ गया, इसे इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है कि ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए, ऐसा होता है। लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, पर ए बी इक्वल टू बी ए जब हो जाएगा, जब बी की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। तो ये आई इज व्हाट, ये देखो आपको ये छोटी क्लास में इस टाइप की एक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी, इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसीलिए आई को क्या कहते हैं, आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिए है नल मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन एडिशन एलिमेंट फॉर सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसके साथ इसमें क्या होगा कि a इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू ए। इस वाले में देखा अपन ने ए बी और बी ए यूजली इक्वल नहीं होते, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट फॉर आई ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए होगा। ए आई इज इक्वल टू आई ए हो गया, इसलिए ध्यान से देखो ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। अब अगर आपने इसमें आई की जगह ए की जगह आई लिख दिया, अगर मान लो आपने ए को भी आई से रिप्लेस कर दिया, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई विल बी आई इंटू आई इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब हो गया आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई स्क्वायर इक्वल टू आई। आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब होगा आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई। तो आई इंटू आई कितना होगा, फिर हो जाएगा आई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ये आई। आई टू द पावर 4 भी कितना होगा, आई। आई टू द पावर एन भी कितना होगा, आई टू द पावर एन की भी वैल्यू कितनी होगी, आई। तो कीप दिस इन माइंड कि आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर एन क्या होता है, आई के बराबर होता है। आई मीन्स वॉट, यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये आई का वैल्यू होता है। तो ये आप आई की वैल्यू भूलना नहीं है किसी भी हाल में, तब आपको फायदा मिलेगा इसका। अब अपने क्या पढ़ा, अपन ने अब हमने पढ़ा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए अनइक्वल होते हैं, इसीलिए देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड लेट अस सी why is it true, ये ऐसा ट्रू क्यों है, देखते हैं अपन। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a से मल्टीप्लाई करो आप सबको, तो a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, b लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज ए बी, बी इंटू ए इज बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब अपने को मालूम है ए बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी ए, तो ये इसलिए ये किसके बराबर नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये ए बी प्लस ए बी हो जाता तो फिर दिक्कत नहीं थी, तो ए बी ए और ए बी के बराबर नहीं होता है। देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मींस दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास है अगली प्रॉपर्टी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो फिर वही, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप बी से करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन अगर बराबर होते ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता तब फिर ये ट्रू हो जाता। तो इसीलिए देयरफॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, कब और कब, व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए बराबर हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम कुछ और आगे की चीजें देखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ए अगर आपके पास है वन टू थ्री वन, तो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कि सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं करना आपको। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, वन टू थ्री वन, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका वन टू थ्री वन। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1 इंटू वन प्लस टू थ्री जा सिक्स सेवन, वन इंटू टू प्लस टू इंटू वन फोर, थ्री वन ऐसे कर देंगे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, वन वन जा वन, तो ये सेवन हो जाएगा आपका। तो ये आपका ए बी आ, ए स्क्वायर आ गया। ऐसे ही ए क्यूब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर दोगे, तो जो वैल्यू ए स्क्वायर की आएगी उससे ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब। अब आप देखो कि आपके पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी पूछते हैं आपके कि दो मैट्राइसेस हैं ए और बी, दोनों नल मैट्राइसेस हैं, क्या रिजल्ट है, क्वेश्चन ऐसा है, डज ए बी इक्वल टू ओ, ओ ओ मींस नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इंप्लाइज ए बी इक्वल टू ओ इंप्लाइज A इक्वल टू ओ और B इक्वल टू ओ, क्या इससे ऐसा पता लगता है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क। डज ए बी इक्वल टू ओ इंप्लाइज A इक्वल टू ओ और B इक्वल टू ओ, तो आंसर इज नो, क्योंकि अब आपको वन वन मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, तो आंसर इज नो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, A की वैल्यू ले लो आप 10000, B की वैल्यू ले लिया आपने 0023। देखो आप A नल मैट्रिक्स है क्या, नहीं, B नल मैट्रिक्स है क्या, नहीं, A इंटू बी क्या चीज है, देखो A इंटू बी क्या चीज है, तो ये वाली रो इस पे गई 1 इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू टू जीरो, 1 इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो जीरो इस पे जाएगा जीरो, जीरो जीरो इस पे जाएगा जीरो, ये क्या आ गया आपका ए बी इक्वल टू ओ, बट ए इज नॉट इक्वल टू ओ एंड बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी इज नॉट इक्वल टू ओ। तो इस तरीके से देखा आपने कि आपके पास दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है, पर जरूरी नहीं कि वो दोनों की दोनों क्या हो, नल मैट्रिसेस हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप अपने खुद से प्रैक्टिस करना और उनके फीडबैक्स मुझे लिख के भेजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ आप मुझसे मैं आपकी प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम एंटरटेन करूंगा, आप प्रॉब्लम लिखें। और पहला क्वेश्चन है जो आप ट्राई करिएगा, ए इज इक्वल टू ए 2132 41, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 101 212, आपको फाइंड करना है ए बी
एंड बी ए, ए भी निकालना है और बी ए निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, ए का वैल्यू है आपके पास 1-1, 2-1, 1-2, 0, इसमें आप फाइंड करना ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर, क्या फाइंड करोगे आप इसमें ए स्क्वायर फाइंड करिएगा। अब मैं आपको एक स्पेशल और प्रोडक्ट बताऊं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास ए एक ऐसा मैट्रिक्स है 1-2-3, बी कैसा मैट्रिक्स है 2-1-4, तो ए इंटू बी कैसे करेंगे हम, तो ए का ऑर्डर क्या है 1/3 का, इसका ऑर्डर कितने का है 3/1 का, तो ऐसे में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो a इंटू बी का ऑर्डर होगा 1/1 का, ये उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, 1 किस पे गया 2 पे, 2 किस पे गया 1 पे, 3 किस पे गया 4 पे, ये आपका आंसर आ गया, क्या आएगा 2 + 2 = 4 + 12, ये आपका आंसर आ गया 1/1 का। पर अब इसका BA जब निकालना होगा तो देखना पड़ेगा BA कैसे निकालेंगे, 2-1-4, 1-2-3, तो ये इस पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 1, अब कुछ भी नहीं लगेगा बीच में प्लस वगैरह, क्योंकि एक बार के ऑपरेशन में नहीं लगता है, एक बार उठाएंगे रखेंगे तो बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो ये लिख दिया 2 × 1, अब ये आया इसके ऊपर तो ये दूर लिखेंगे 2 × 2, फिर इसको उठा के जब इसके ऊपर लिखेंगे रखेंगे तो और दूर लिखेंगे, पहले इसको भी इस तरीके से करेंगे 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, ऐसा इसके साथ भी करेंगे 4 × 1, 4 × 2 और 4 × 3, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन भी, जो कभी कभी दिमाग में ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा पुल्टा है, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन है आपके पास, ए की वैल्यू ले लेते हैं हम 2-1-0, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 0-1-2, और आपको फाइंड करना है फाइंड ए बी एंड बी ए। तो ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन और अच्छे से क्लियर होगा। आपके पास बुक है, आप उनको भी उसका भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिखें और मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, और मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मैट्राइसेस, जिसमें मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा मल्टीप्लिकेशन उसमें जरूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, जिनको करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड यू फील वेरी मच कॉन्फिडेंट, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन ना रखें। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, PhD इन मैथमेटिक्स। विश यू ऑल द बेस्ट।